हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो असम गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, असम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आया है, जो उस रिक्वायरमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें आपका एज कितना होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, फीस पेमेंट कितना करना है, इस वीडियो में हम सभी आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले freejobalert.com पर यहाँ पर आ चुके हैं, जो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब वैकेंसी है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, चाहे वो असम हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, सभी जितने भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सभी स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं वो इस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, freejobalert.com पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जो असम की तरफ से जो वैकेंसी आया है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं असम गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग वहाँ आ चुके हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब असम की तरफ से आया है। तो जो दोस्तों जो वैकेंसी आया है, जो नोटिस आया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो वैकेंसी है वो क्या है, असम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 111 आपका वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक एक करके इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, आप इसको कैसे अप्लाई करें, इस वीडियो में आपको सब डिटेल से हम बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं, असम जीआर इंजीनियरिंग सीवी रिक्वायर्ड 2021 अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि 111 वैकेंसी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपका जो पोस्ट डेट हुआ था 23 जुलाई 2021 को हुआ था, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, यानी कि 111 आपका वैकेंसी इसमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं। तो असम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि आपका इसमें जो पोस्ट मिलेगा वो किसका पोस्ट मिलेगा, यानी कि जीआर इंजीनियरिंग सिविल वैकेंसी का आपका पोस्ट इसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जुलाई 2021 को है, और जो लास्ट डेट है 7 अगस्त 2021 को आपका क्या है, लास्ट डेट है। तो दोस्तों, इसको जितना जल्दी हो गया आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। आइए दोस्तों नीचे देखते हैं, जो इसमें आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 ईयर्स का होना चाहिए, एज पर इलेक्शन ऑफ पर रूल्स, यानी कि जो आपका रूल्स में दिया, जो ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, एसटी का जो 5 साल का छूट मिलता है, तो उसमें आपका नोटिफिकेशन में सब ये सब मिल जाएगा। आइए दोस्तों, अब नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, इसमें कैंडिडेट शुड पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि जो कैंडिडेट हो, जो अप्लाई करने वाला, उसमें क्या हो, यानी कि वो क्या हो, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में उनका क्या हो, डिप्लोमा हो, तो अभी जो इस पोस्ट के लिए क्या है, वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब नोटिस देख लेते हैं, इसमें नोटिस क्या दिया हुआ है। नोटिस को ओपन करते हैं, डाउनलोड हो रहा है तो आप बने रहिए, डाउनलोड हो चुका है। देखिए दोस्तों, नोटिस खुल गया, तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल अंडर द 3 रेगुलेशन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी जो है आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग है। अब यहाँ पर आप टोटल देख लीजिए कि जो एसटी ओबीसी का कितना कितना पोस्ट दिया गया है, आप यहाँ से नोटिस में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जो पे स्केल होगा वो 14,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर जो एज रिलेक्शन के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि ओबीसी के लिए कितना छूट मिलेगा, एसटी के लिए कितना छूट मिलेगा, और यहाँ पर सब आपको डिटेल में हम बता दिए हैं। उसके बाद आइए देखते हैं जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में हम आपको बता दिए, यानी कि 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य है, तभी इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी द परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ असम, जो स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे वो कहाँ का होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंशियल असम का होना चाहिए, यानी कि पीआरसी उन लोगों का यहाँ देना अनिवार्य होगा, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं द कैंडिडेट अप टू जो स्क्रीन, यानी कि जो इसमें आपका जो इसमें ऑनलाइन पेमेंट कुछ नहीं देना है, यानी कि फीस पेमेंट
इसमें कोई फीस आपकी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आपका क्लास 12 का मार्क लिया जाएगा, यानी कि 20% लिया जाएगा, और जो डिप्लोमा जो आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं उसमें से आपका 80% लिया जाएगा। यानी कि दोनों का मिलाकर आपका मतलब सेटेलाइज किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जिसका मेरिट लिस्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आप? बस क्लियर है। तो इस यही नोटिस जो आया हुआ है जो असम गवर्नमेंट जॉब की जॉब के तरफ से, तो इसको जितना जल्दी हो के आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई लिंक एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें आपकी कोई फीस पेमेंट नहीं है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेरिट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।